या असल का ताना बाना है। ऐ मोहब्बत बता तेरा कहाँ ठिकाना है। और तू जिसे, अच्छा शेर सुनिए, तू जिसे हकीकत में मिल गई वो ख्यालों में गुम हुआ। तू जिसे हकीकत में मिल गई वो ख्यालों में गुम हुआ, और जिसके बस ख्यालों में है वो हकीकत में दीवाना है। ऐ मोहब्बत बता तेरा कहाँ ठिकाना है। तो एक कविता सुनाने के मन से आया हूँ मैं, ये उस पर लिखी है जो एक लिंग का अवतार है, जो स्त्री भी है पुरुष है, जिसे हम किन्नर कहते हैं। ठीक है, तो कविता सुनिए कि किन्नर है इसका शीर्षक। आदमी की दहाड़ औरत की स्निग्ध उक्ति है। आदमी की दहाड़ औरत की स्निग्ध उक्ति है, हर एक किन्नर में एक लिंग की शक्ति है। संकल्प धरे तो बिरसा मुंडा, भबक उठे तो चामुंडा, भौह मटकाए तो कामिनी, चाल इठलाए तो भामिनी, मुरव्वत बरते तो सुमन सरीखी, चीख झल्लाए तो दामिनी, अप्सरा सी मोहिनी मुनियों की भक्ति है, हर एक किन्नर में एक लिंग की शक्ति है। हाथ फेरे तो अनाथों की माई, हाथ फेरे तो अनाथों की माई, झुंड घेरे तो लक्ष्मी बाई, रस्म तोड़े तो मुन्नी बाई, खुद रोशनी खुद रोशनाई, दुआ में उसकी वधु को ईश्वर करने की शक्ति है, हर एक किन्नर में एक लिंग की शक्ति है। हाथ फैलाने को मजबूर हैं कुछ लोग, हाथ फैलाने को मजबूर हैं कुछ लोग, ये हैं पांव फैलाने को भी। कुछ धुतकार की शर्म से मुंह छुपा लेते हैं, ये मजबूर हैं नहीं शर्माने को भी। पर जिसने ईश्वर का बल पाया, संसार कहाँ उसे दल पाया। वो अपनी तालियों में जिल्लत मसक देती है, जिंदगी को एक नायाब ठसक देती है। उदंड दुनिया उसके समक्ष बिचल जाती है, वो तमाशाइयों के बीच मदमस्त रेलगाड़ी सी निकल जाती है। अंदाज उसका एक सुई है, हर नुकीले शख्स को चुभती है, हर एक किन्नर में एक लिंग की शक्ति है। हमारे यहाँ कुंवर बेचैन को पढ़ते हैं हम, वो कहते हैं कि जो वक्त की हवाओं से खबरदार नहीं है, कोई और ही होगा साहित्यकार नहीं है। तो छोटी छोटी बातों को मैंने जो पकड़ा, सबसे जो आप डेली गुजरते लेकिन पकड़ते हैं, वो है रोड ट्रैफिक। डेली परेशान होते हैं लेकिन उस पर ध्यान कम ही जाता है, तो उस पर कुछ मैं गाना चाहता हूँ कि सड़क की रफ्तार में कैसा ये उछाल है, सड़क की रफ्तार में कैसा ये उछाल है, जितनी तेज सड़क धीमी उतनी राही की चाल है। अर्श देखिए, आप ऊंचाई से देखिए सड़क कैसे दिखती है। अर्श से देखा तो सुंदर जाल मकड़ी का लगा, अर्श से देखा तो सुंदर जाल मकड़ी का लगा, फर्श पर चल कर ये जाना जाने का जंजाल है। कि कोई तो अपना कह ही देगा सरहद पे शरणार्थी सा खड़ा हूँ, मेरे लहजे में हिंदी उर्दू दोनों की अदा है, लोग कहते हैं भाषाओं का हिजड़ा हूँ।